बहादुर नामक यह कहानी अमरकांत जी के द्वारा रचित है। मेरी माँ मुझे प्यार ही नहीं करती, मुझे तो भैंस से प्यार करती है। तो मैं बार बार समझाया करती हूँ कि तुम मेरे काम में हाथ बटाया कर, पर तो इधर उधर बाहर भाग देता है, पहाड़ों पर खेलने चला जाता है। आओ तुझे बहुत मार मारूंगी। ओए बहादुर, ओए दिल बहादुर, कहाँ मर गया, इधर आ। आया। तुमको मैं बार बार समझाती हूँ कि तुम मेरे कामों में हाथ बटाया कर, पर तू है कि इधर उधर भाग जाता है। आ मारूंगी तुझे। मेरी माँ मुझसे अधिक अपने भैंस से प्यार करती है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती है। अब मैं उस भैंस को नहीं छोड़ूंगा जिसे मेरी माँ बहुत प्यार करती है, उसे मारूंगा। अरे भैंस आ रही है, मैंने तो उसे चरने के लिए छोड़ा था, लगता है उसी लौंडे ने मारा होगा। आज नहीं छोड़ूंगी उसको, आज उसको बहुत मार मारूंगी। ओए बहादुर इधर आ, मैंने भैंस को वहाँ पे चरने के लिए बांधा होगा, क्यों आई मेरे पास, जरूर तूने ही मारा होगा। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि बहादुर 2 रुपया लेकर के अपनी माँ का घर छोड़ दिया, यानी नेपाल छोड़ आया और सीधा वह लेखक के शैलेश साहब के साथ लेखक के घर आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेखक बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ला रहे हैं और निर्मला जी को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसे बना दो। यही लेखक अमरकांत जी हैं बीच में जो खड़े हैं, इन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। यह एकदम सच्ची घटना पर आश्रित है, यह घटना इनके घर में घटित हुई है। इस कहानी में जो किरदार आपको दिखाए गए हैं ये किरदार काल्पनिक है, बट ये कहानी 100% सच्ची है। आप गूगल कर सकते हैं, अमरकांत का यह स्टोरी पढ़ सुन सकते हैं। ये बहादुर नामक कहानी है और ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम बहादुर इसलिए पड़ा क्योंकि दिल बहादुर जो था ना, वह नाम से नहीं अपने काम से भी बहादुर था।